हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एरिना एकेडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान सीईटी के पेपर में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें आपके रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे गए। देखेंगे कैसा लेवल रहा, क्या एग्जाम में पूछा गया है। तो ये देख सकते हैं, कल 22 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं उनमें से पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, अल्फाबेट एनोलॉजी। कहता है जी के एल पी का रिलेशन इससे है, इसका किससे होगा। तो इसको हम डिकोड कर देते हैं। जी कितना होता है हमारा 7, के की बात करें तो 11, एल 12 और पी कितना 16। जब ये कोड हो रहा है तो ये हो क्या रहा है, क्यू यानी 17, यू की बात करें तो 21, वी की बात करें तो 22 और जेड की बात करें तो 26। साफ साफ दिख रहा है कि हर लेटर में भैया क्या हो रहा है, 10 10 बढ़ाया जा रहा है। क्या हो रहा है, 10 बढ़ाया जा रहा है, तो हम भी 10 बढ़ा के कोड कर देंगे। आते हैं अपने क्वेश्चन में, ए की बात करते हैं तो ए कितना 1, ई कितना 5, एफ कितना 6 और जे कितना 10। सब में भैया प्लस 10 कर देना। एक क्या हो जाएगा 11, 5 15, 6 16 और 10 20। डिकोड कर देते हैं इसको। 11 की बात करें यानी के ओ पी और टी, के ओ पी टी, ये आंसर देखने को मिलेगा हमें। तो विकल्प में देखते हैं हम लोग, तो वहां पता चलता है के ओ पी टी कहाँ लिखा हुआ है हमारा, डी ऑप्शन। क्लियर है इतनी बातें, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या था। हाँ, ये क्वेश्चन था हमारा घन से। घन में कह रहा है हमको, घन कह लो पासा कह लो, इसको क्या करना है आपको, मोड़ना है। तो कह रहा है कौन सा बॉक्स बनेगा। तो ध्यान रखो, जब भी खुला पासा या खुला घन दिया हो तो उसमें हमें अपोजिट का कांसेप्ट पता होना चाहिए, कि खुले घन में अल्टरनेट में अपोजिट लिखे होते हैं। यानी हम कह सकते हैं इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा और बची हुई सतहें ये दोनों आपस में अपोजिट होंगी। यानी अगर हम लिखना चाहें दरअसल, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइनिंग वाला पॉइंट है इसके अपोजिट ये आपका अंदर वर्ग देखने को मिलेगा, और जो ब्लैंक पार्ट है ब्लैंक के अपोजिट आपको हैज देखने को मिलेगा, ये वाला ब्लैंक, ठीक है। और इस एक और ब्लैंक है, इस ब्लैंक के अपोजिट आपको ये आकृति देखने को मिलेगी। तो एक कांसेप्ट ध्यान रखो, जब भी कभी इनको मोड़ा जाएगा तो कभी भी अपोजिट डायरेक्शन वाले पॉइंट आपको एक साथ नहीं दिखेंगे, और ना ही कभी ये एक दोनों एक साथ छिपेंगे। क्लियर है, तो इस कांसेप्ट को यूज करते हुए आते हैं। तो जब लाइनिंग वाला पार्ट दिखेगा तो आपको वर्ग नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे लाइनिंग और वर्ग दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ये आंसर नहीं हो सकता। आगे आ जाओ, यहाँ पर क्या है कि ये है, इसके अपोजिट ब्लैंक है, तो ब्लैंक नहीं दिखना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन एक ब्लैंक और है क्वेश्चन में, यही अकेले ब्लैंक नहीं, दो है, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा एक ही ब्लैंक दिखेगा, एक ब्लैंक तो इसका अपोजिट है। तो यहाँ तो ये दो ब्लैंक है, दो में से एक इसका अपोजिट है और ये आपको दोनों ब्लैंक दिख रहे हैं, यानी इनमें से कोई एक इसका अपोजिट छपा हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वही सिनेरियो आगे है कि भैया ये क्या है, हैज का अपोजिट है। तो हैज अगर है तो दो ब्लैंक कैसे दिख रहे हैं, एक ब्लैंक दिखता तो हम बात मान लेते, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। और अगर तीन गलत हो चुके हैं तो बचा क्या, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अपोजिट लाइनिंग वाला पार्ट, इसके अपोजिट ब्लैंक और इसके अपोजिट फिर से ब्लैंक, तो आंसर क्या लगेगा हमारा, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन निष्कर्ष से है, देख लेते हैं इसको जरा, क्या कहता है क्वेश्चन। कह रहा है कोई भी पत्रिका समाचार पत्र नहीं है, जितना कह रहा है उतना बना लेते हैं। ये पत्रिका है और इसका रिलेशन समाचार पत्र से नहीं है, कोई बात नहीं। कुछ समाचार पत्र पुस्तकें, कुछ समाचार पत्र क्या है भैया, पुस्तक। क्लियर, आगे आ जाओ। सभी पुस्तकें चम्मच, ये सभी पुस्तकें क्या हो गई भाई, चम्मच हो गई। अब पूछा क्या उसने, दो निष्कर्ष दे रखे। कुछ पत्रिकाएं पुस्तकें हैं, पत्रिका पुस्तक का रिलेशन नहीं दिख रहा है, आप नहीं कर सकते, ये क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ समाचार पत्र चम्मच है, हाँ कुछ समाचार पत्र जो पुस्तकें हैं वही चम्मच है, तो ये बात क्या है, सही है, ये कॉमन। तो केवल दूसरा कहां लिखा हुआ है, पहला ही ऑप्शन है, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, तो टिक क्या लग जाएगा हमारा, ए नंबर ऑप्शन लग जाएगा।
क्लियर है? चलिए आगे चलते हम लोग, क्वेश्चन थोड़े से अच्छे पूछे गए कुछ। हाँ, ये हमारा घड़ी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से उठाकर पूछा है उसने, बिल्कुल बेसिक से। क्या बेसिक से? कह रहा है जब मिनट की सुई की बात कर रहा है, 1 घंटे 25 मिनट की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी, कहने का मतलब वो कितने डिग्री चल चुकी है। तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट आते हैं, अगर हम घड़ी की बात करें, अगर मान लो आप 12 बजा है फिर 1 बजा है, तो 12 बजे घंटे और मिनट की सुई 12 पर हो, फिर जब 1 बजेगा तो मिनट की सुई आपको, सॉरी घंटे की सुई 1 पर दिखेगी और मिनट की सुई फिर 12 पर दिखेगी। यानी हम कह सकते हैं कि ये कुल 1 घंटे हो गए और 1 घंटे में इसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, एक चक्कर, और ये वृत्ताकार आकृति है, तो कितना, 360 डिग्री। 1 घंटे की बात यानी भैया 60 मिनट, 60 मिनट में कितना, 360 डिग्री। तो भैया 1 मिनट में ये सुई कितना जाती है, 6 डिग्री। इसकी बात हो रही है मिनट की सुई, ठीक है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है। तो यही पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन को ही बना ले मिनट में, 1 घंटे को क्या लिखेंगे, 60 मिनट, और प्लस 25 मिनट और है तो 25 मिनट ये हो गए। टोटल कितनी देर चलना है हमको, 85 मिनट। 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री, तो 85 में कितना, 85 × 6 कर दीजिए, कितना, 30, 3 और 48 और 3, 51, 510 डिग्री आंसर आ जाएगा। कोई है ऑप्शन? पहला ऑप्शन है 510, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये चीजें हमको क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कोडिंग का है, कोडिंग का काफी इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही मिलेगा, इससे इजी पैटर्न क्या ही मिलेगा आपको। देखो कह रहा है मेडिकल को ये लिखा जाता है, मेडिकल, MEDICAL, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, DEMILAC, लेटर देखो वही यूज हो रहे हैं, बस इनके प्लेस घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं समझिएगा, 7 लेटर हैं, 2 टुकड़े करोगे आप, 3-3 के होंगे, तो एक बंदा बीच वाला बचेगा, वही छपा हुआ है, ठीक। अब इन 3 पे उसने रिवर्स कह सकते हो या आप क्रॉस पैटर्न कह सकते हो, ठीक है। क्या हो रहा है, ये यहां पे आया, ये यहां पे आया, और बीच वाला बीच बचा। इसी प्रकार सी लास्ट में आया, एल पहले आया, ए बीच बचा। कर देते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखना, तो पहले 3 COM होंगे, ये क्या छप जाएंगे, MOC, पी फिक्स हो जाएगा, ILE क्या छपेगा, ELI, ढूंढो कहाँ लिखा हुआ है, MOC 3 ऑप्शन में है, ELI सी नंबर ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, क्लियर है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर पे। ये क्वेश्चन हमारा दिशा से पूछ दिया उसने, एक क्वेश्चन कैसे पूछ दिया, दिशा से, वही बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए कहता है 4 खिलाड़ी ABCD एक खेल के मैदान में खड़े हैं, किस प्रकार, ए के पूर्व में बी है। तो पहले तो आपको दिशाएं पता होनी चाहिए, पता होंगी कि भैया अगर हम बेस फिगर ड्रा करें तो ये ऊपर उत्तर दिशा होती है, ये हमारी दक्षिण दिशा होती है, इसकी बात करें तो ये पूर्व होती है, और पूर्व का अपोजिट क्या होता है हमारा, पश्चिम होता है। तो कह रहा है भैया ए के पूर्व में बी है, तो कहीं ए होगा और पूर्व इधर होता है, तो ए के पूर्व यानी इधर पे क्या होगा, बी होगा। इसके बाद ए के दक्षिण में सी है, ए से ही पूछ रहा है, दक्षिण नीचे होता है, तो ए के दक्षिण में कौन है भैया, सी है। इसके बाद कह रहा है ए के उत्तर में डी है, उत्तर कहां होगा, ऊपर की ओर, तो ए का उत्तर कौन है, डी। अब पूछा क्या है उसने, कह रहा है बी के किस दिशा में डी घना है, किसके दिशा में, बी के, बी से जाना है डी की तरफ, तो ये भैया बी है, ये डी है, आप इधर जाओगे। इसके लिए क्या आपको बेस फिगर ड्रा करना है दिशा का, फिर वही ये वाला, तो आपको पता है ये ऊपर कौन सी दिशा, उत्तर, और ये कौन सी, पश्चिम। आप इन दोनों के बीच में जा रहे हो, तो आपकी ये दिशा क्या होगी, उत्तर पश्चिम, क्या होगी, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कोई ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है आपका, ठीक, क्या लग जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, उत्तर पश्चिम। दिशा से बेसिक सा क्वेश्चन है, ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं था ये। आगे चलते हैं हम लोग, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कहेंगे हम इसको, क्योंकि इस क्वेश्चन में शायद है कि रियल आंसर नहीं है, आप क्वेश्चन समझिएगा बहुत कायदे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।
इस आकृति में आपको त्रिभुज गिनने हैं, ठीक। चलिए त्रिभुज गिनते हैं, हम इस आकृति को जरा अलग बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम कहेंगे आपसे कि ये हमने एक आयत बना लिया और इस आयत के बाद देखो एक क्रॉस शीर्ष मिलना है इसके, हमने इनके शीर्ष मिला दिए, हमने इनके शीर्ष मिला दिए। जब शीर्ष मिला दिए तो पहले हम इतनी आकृति की बात करते हैं। तो देखो आप एक दो तीन चार, इसका तरीका क्या होता है कि हाईएस्ट नंबर उठा लो और उसका आप क्या कर दो, दूना कर दो। तो यहाँ कितने ट्रायंगल मिल जाएंगे आपको, आठ मिल जाएंगे, मिल गए आठ। चलिए आगे आते हैं, ये आकृति बनी थी, ये लाइन खींची हमने भी, ये खींची, ये लाइन यहाँ पे खींच दी, ठीक। अब ये दो टुकड़ों में डिवाइड हुआ, एक और दो। एक कॉन्सेप्ट होता है इसका, समझिएगा कि अगर इसमें लाइनिंग खींची गई है शीर्ष से किसी भुजा पर, तो जितने टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है आप उसको जोड़ दीजिए और वहां आपको टोटल त्रिभुज मिल जाएगा, तीन हो गए। तो एक प्लस दो यहां पर कितने मिलेंगे आपको, तीन। लेकिन यहां तीन नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि एक ये छोटा है, बड़ा वाला आप इस आठ में गिन चुके हो, इसके लिए सतर्क रहना आप। तो आठ ये थे और यहां पर कितने मिले, दो मिले, ठीक। अब यहां पर ये देखना है कि ये लाइन खींचने के बाद क्या आपके कोई नए ट्रायंगल भी काउंट हुए हैं, समझिएगा। अब यहां पर समझना, तो एक ट्रायंगल आपका ये बना है, बना है एक ये ट्रायंगल, इसको यहां ऐड कर दें हम, ये ट्रायंगल काउंट हुआ। चलिए छोड़ देते हैं, ठीक, आगे आते हैं। अब देखो ये लाइन ऐड हुई, इस लाइन को हम यहां ऐड कर दें, इस लाइन को हम ये ऐड कर दें, ऐड कर दिया। फिर से इसने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, एक और दो। फिर भी यहां तीन नहीं होंगे, क्यों? बड़ा वाला पहले काउंट कर चुके हो, कितने आएंगे, दो। कितने हो गए आपके, आठ दो दस, दो बारह एक तेरह, तेरह हो गए। आगे समझिएगा, जब आपने ये लाइन काउंट करी, जब आपने ये लाइन खींची, तो ये लाइन खींचने के बाद एक देखो आपका ये ट्रायंगल काउंट होगा, इधर समझिएगा, ये वाला, एक मिनट इससे ड्रा करें, ये एक नया ट्रायंगल काउंट काउंट हुआ। और जब आप ये दोनों लाइन मर्ज करोगे यहां पर, तो एक ये ट्रायंगल काउंट, ये बड़ा, तो ये टोटल दरअसल कितने आ जाएंगे आपके, पंद्रह त्रिभुज आ जाएंगे। और पंद्रह वहां पर ऑप्शन लिखा हुआ है जो कि पहला ऑप्शन है और वो सही है। लेकिन लेकिन पॉइंट यहां पर ये है कि अगर आप आकृति देख रहे होगे ना, तो ये शीर्ष से जाकर मिल नहीं रही है, ये यहां पर खत्म हो गया, ये पॉइंट। और इस आधार पर त्रिभुज कम होंगे और 15 से कम वहां पर ऑप्शन है एक 13, तो 13 आंसर आ सकता है। चेक करते हैं, यहां देखो गलती क्या करी है तुमने, कि भैया ये वाला जो त्रिभुज काउंट किया है, ये त्रिभुज काउंट नहीं होगा क्योंकि ये चतुर्भुज बनेगा, एक ये काउंट नहीं होगा। और अगर ये काउंट नहीं होगा तो फिर इधर जो आपने ये त्रिभुज निकाला है, ये भी त्रिभुज नहीं है, यहां चतुर्भुज है, दूसरा ये बड़ा वाला काउंट नहीं होगा। और तीसरे की अगर हम बात कर लें, तो तीसरा ये जो आपने काउंट किया था, ये भी इसकी जगह कारण त्रिभुज नहीं होगा। तो भैया 15 में से तीन त्रिभुज आपके नहीं बनेंगे, जो त्रिभुज बनेंगे वो दरअसल कितने बनेंगे, 12 बनेंगे। तो इसका जो रियल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन 12 कोई विकल्प नहीं है, तो जहां तक एग्जामिनर 15 के साथ जाएगा, लेकिन जो रियल आंसर है वो आपका क्या है, 12 है। अगर इसको आप शीर्ष से मिलाओगे, ये आकृति बनाओगे, तभी आपका आंसर 15 आएगा। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका रैंकिंग से था, एक रैंकिंग के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कह रहा है कुछ लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी है जिसमें कविता बाएं छोर से 11वें स्थान पर, कविता की रैंक बाएं से कितनी है, 11, ठीक है। बबीता दाएं से नमी है, बबीता दाएं से नमी है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ओवरलैप, इसलिए छोड़ देते हैं। यदि उनके स्थान बदल दिए जाए तो कविता बाएं से 15वीं हो जाती है। जब बदले जाते तो कविता बाएं से 15वीं, तो बाएं से 15 इधर होगा, इसका मतलब है बबीता यहीं बैठी थी और वो दाएं से क्या थी, नमी थी। जब नया स्थान बदला गया तो यहां कविता हो गई और यहां बबीता हो गई, ये नई रैंक। और नए स्टेटमेंट में क्या हुआ, कविता बाएं से 15वें नंबर पर आ गई। कविता को जब यहां बाएं से गिनते हैं तो कविता मिलती है हमें कहां, 15। देखो लोग चेंज हुए, लोग चेंज हुए, लेकिन स्थान तो वही है।
जब इस स्थान को दाएं से गिन रहे थे तो उसका स्थान क्या था? 9। जब इसको बाएं से गिन रहे हैं तो क्या है? 15। क्वेश्चन खत्म। क्यों? क्योंकि टोटल बराबर क्या हो जाएगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। एक तरफ से रैंक 15 है, एक तरफ से 9 है, घटा दीजिए 15 और 9 24, 24 माइनस 1, रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा? 23 आ जाएगा। और भैया 23 कहाँ लिखा हुआ है हमारे पास? ए नंबर ऑप्शन में। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन रैंकिंग से। ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, ये तो क्या है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी टाइप है। कहता है कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में है, ठीक, यदि जॉन की रैंक बाएं से 32 है और दाएं से 15 है तो टोटल कुछ नहीं, एल प्लस आर माइनस 1, अभी पीछे किया है, एक तरफ से 32 है और दूसरी तरफ से 15 है और माइनस 1, तो ये 32 हो गया और ये 14 हो गया, ये कितना आ जाएगा भाई? यहां पर बात करें तो ये आ जाएगा कितना? 46। 46 है कोई ऑप्शन? 47, 48, 46 आपका बी नंबर ऑप्शन निकलेगा। क्लियर है बातें इतनी? ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा भाई सभी लोग। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपना एक ब्लड रिलेशन करो, और ब्लड रिलेशन में उसने सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा था कि क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बनाते हैं भाई इसको हम लोग। ठीक है, जितना कह रहा है उतना बनाते हैं, तो देखते हैं। कह रहा है पी आर का पुत्र है, पी जो है भैया वो आर का पुत्र है, तो पुत्र एक पीढ़ी नीचे होगा और जेंडर इसका प्लस होगा, और पुत्र किसका है? ये आर का है। आर और क्यू बहने, आर और क्यू बहने, दोनों आपस में बहन है, तो दोनों का जेंडर डिसाइड है, ये आपस में बहन है, ये माइनस और क्यू ये भी माइनस। ठीक, जेड जो है क्यू की माता है, क्यू की माता एक पीढ़ी ऊपर, क्यू की माता कौन है भाई? जेड, जेड का जेंडर माइनस। इसके बाद और एम जो है वो जेड का पुत्र है, तो जेड का पुत्र एक पीढ़ी नीचे होगा, तो जेड का पुत्र यहां पे दर्शा देते हैं हम लोग किसको? एम को, और एम क्या होगा? प्लस। और अगर ये पुत्र है, ये इसकी माता है, तो ये तीनों इसकी संतानें होंगी, तो एम जो है क्यू का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। ये चीज हम लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन, कहता है कौन सा सही है। पहला कह रहा है चेक करो क्या पी एम का, एम पी का मामा है, तो ये पी की कौन होगी? ये होगी माता, जेंडर माइनस है, माता की बहन का भाई, तो ये आर का भी क्या होगा? भाई, बहन का भाई यानी आर का भाई, तो उसकी माता का भाई, पी की माता का भाई क्या कहलाएगा? भाई मामा ही तो कहलाएगा, यानी पहला ही आंसर मिल गया। पहला ही आंसर क्या है? सही है कि एम जो है वो पी का मामा है। भाई क्रॉस चेक कर सकते हो, आप गलत होंगे। आर और एम बहने, आर और एम बहने समझना, आर और एम बहने नहीं है, बहन भाई है, क्योंकि एम का जेंडर प्लस है, ये गलत है। क्यू पी की दादी या नानी है, क्यू पी की दादी या नानी नहीं है, पी की माता की बहन, मौसी निकल के आएगा। ठीक है, ये भी गलत है। एम और पी मौसेरे भाई है, कहां भैया, एक पीढ़ी ऊपर है, मौसेरे भाई सेम पीढ़ी में होता है। ठीक है, तो यहां पर ये 10 क्वेश्चन थे जो आपकी कल की शिफ्ट में, कल की पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, तो रीजनिंग का लेवल ठीक था, लेकिन ज्यादा ठीक नहीं था, एवरेज था हम कहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही।